Hi everyone, I am Sonal Kapoor, founder of Protsahan India Foundation. ये एक संस्था है जो पिछले NGO है, पिछले 10 सालों से लड़कियों के लिए, adolescent लड़कियों के लिए काम कर रहा है, उनके education support, उनके शोषण से बचने के लिए, उनको rehabilitation कराने के लिए, उनको creative माध्यमों से उनकी जिंदगी में रुचि भरने के लिए हम काम कर रहे हैं. ये एक ऐसा time है जहाँ उनके परिवार, उनके parents, उनके fathers, brothers, जो छोटी factories में काम करते हैं, construction workers हैं, daily wage laborers हैं, वो उनकी जो jobs हैं वो because of this massive corona crisis lockdown, ये उनकी jobs चली गई हैं. They are being forced to sleep on hungry stomachs, empty stomachs every night. हमारे बच्चे हमें text करते हैं, call करते हैं और अपनी ये जो कहानियाँ हैं बता रहे हैं. इसी के मद्देनज़र, इसी के चलते हमने 1000 families के support के लिए एक campaign चलाया है. We are beginning with supporting 1000 families ताकि हम उनको एक basic ration kit मुहैया करा सकें जिसमें 10 kg आटा, 10 kg चावल, चीनी, दालें, एक packet sanitary napkin, तेल, मसाले, बेसिक चीज़ें जिनसे आपका राशन चलता है, ये सब उनको मिल सके एक महीने के लिए. एक ऐसी राशन किट की जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 1120 रुपये. वी आर रीचिंग आउट टू यू थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट यू कैन हेल्प अस, हेल्प दीज फैमिलीज, हेल्प दीज चिल्ड्रन हु आर फेसिंग मैसिव क्राइसिस बिकॉज ऑफ देयर फादर्स एंड देयर यू नो ब्रेड अर्निंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लूजिंग जॉब्स. हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इन 1000 फैमिलीज़ में जो शायद 5-6 हज़ार लोग हैं उनको हम भूखे पेट सोने पे मजबूर ना होने दें. आई नीड योर सपोर्ट. आप डायरेक्टली प्रोत्साहन की वेबसाइट पे जाके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं. प्रोत्साहन की वेबसाइट है www.protsahan.co.in, दैट इज़ protsahan.co.in. आप केटो पे भी हमारी कैंपेन चल रही है जिसके अंतर्गत आप हमें डोनेशन दे सकते हैं. केटो हमसे कोई एक्स्ट्रा फीस लेवाई नहीं कर रहा है, चार्ज लेवाई नहीं कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन. आप केटो और प्रोत्साहन की कोरोना COVID-19 कैंपेन के लिए अगर गूगल पे सर्च करें तो सीधा ऊपर आएगी, जिसके अंतर्गत आप डोनेशन दे सकते हैं. Please come together. This is my humble appeal to all of you. Let's help the girls, the children, and their families, you know, get through this massive lockdown that's facing all of us, and especially these people at this point in time. Thank you.